साधुवा डॉक्टर साहब, महाकारुणिक बुद्ध को सादर नमन, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को सादर नमन। हम सबको धर्म का व्यवहारिक प्रशिक्षण देने वाले परम श्रद्धेय बंते डॉक्टर करुणाशील रावल जी को सादर वंदामी, और देश भर से जुड़े हुए आप सभी प्रबुद्ध साथियों को सादर नमो बुद्धाय। जैसा अभी डॉक्टर साहब जिक्र कर रहे थे कि आज जिस महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं बीआरसी गूगल मीट में, वो महाकारुणिक बुद्ध के विरोधी इस विषय से जुड़ा हुआ है। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ में इस विषय को, इस अध्याय को बहुत ही रोचक ढंग से अपने पुस्तक में, अपने धम्म ग्रंथ में लिखा है। और ये स्वाभाविक भी है कि जब भी किसी परिवार में नए सदस्य का आगमन होता है, बच्चे का जन्म होता है, तो हम देखते हैं कि शुरुआती जीवन की शुरुआती अवस्था में जब हम अपने परिवार के बीच रह रहे होते हैं, तो चूंकि हमारा मेल जोल, हमारा परिचय परिवार तक ही सीमित होता है, तो परिवार के सदस्य ही हमें डांट रहे होते हैं, हमारी गलतियों पर हमें टोक रहे होते हैं और हमारी प्रशंसा भी कर रहे होते हैं जब हम कुछ अच्छा करते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, मोहल्ले के लोग भी हमें जानने लगते हैं, तो उस मोहल्ले में भी हमारे नाम की चर्चा होने लगती है। जब भी हम कुछ गलत करते हैं, जब भी कुछ अच्छा करते हैं, लोग अपने अपने स्वभाव के अनुसार उसकी व्याख्या करने लगते हैं। जब हम कुछ और बड़े होते हैं, हमारी पहचान का दायरा बढ़ता है, तो निश्चित रूप से पूरे गांव में हमारे नाम पर चर्चा होने लगती है। पूरे गांव के लोग हमारे बारे में चर्चाएं करने लगते हैं कि फला लड़का, फला व्यक्ति, फला लड़की इस तरह की है, ऐसे स्वभाव की है। जब हम अपने काम के दायरे का और विस्तार करते हैं, हमारा दायरा और बढ़ता है। इस बात को हम भारतीय पंचायती राज व्यवस्था के उदाहरण से यदि समझना चाहें, तो वहां जो सबसे छोटी कड़ी है वो वार्ड पंच होता है। तो वार्ड पंच की कमियां, उसकी प्रशंसा उसके वार्ड के लोग कर रहे होते हैं। एक सरपंच का संबंध चूंकि ग्राम पंचायत से होता है, तो पूरी ग्राम पंचायत के लोग उसके काम पे टीका टिप्पणियां कर रहे होते हैं। ऐसे ही जो पंचायत समिति का प्रधान होता है, तो उस पंचायत समिति में आने वाले सारे के सारे ग्राम पंचायतों के लोग उसके काम पे टीका टिप्पणियां कर रहे होते हैं। और जो जिला प्रमुख बन जाता है, पूरे जिले का हेड होता है, तो उसके काम पे पूरे के पूरे जिले के लोग टिप्पणियां करने लगते हैं। और मुख्यमंत्री की बात आएगी तो पूरे के पूरे राज्य के लोग उसके काम पे टीका टिप्पणियां करने लगेंगे। ठीक इसी तरह देश के प्रधानमंत्री की बात आएगी तो पूरे देश के लोग उसके बारे में चर्चाएं करने लगते हैं। तो कुल मिलाकर बात ये कि आरोप प्रत्यारोप का दौर, किसी को अच्छा या बुरा बताने की भावना, किसी को अच्छा या बुरा कहने का जो दृष्टिकोण लोगों के मन में उत्पन्न होता है, ये सामान्यतः उन लोगों के बारे में नहीं होता है जो अपने घर में बैठे रहते हैं। एक छोटा सा उदाहरण यदि हम और देखना चाहें, तो जो लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों से प्रेरित होकर किसी भी फील्ड में, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में बाबा साहब के नाम से काम कर रहे हैं, भले वो राजनीति का ही क्षेत्र क्यों ना हो, तो आप देखेंगे कि उनके बहुत सारे आलोचक भी निकल आते हैं, उनकी कमियां बताने लगते हैं। दूसरी तरफ वे लोग जो अपने घरों में बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, बहुत घनघोर स्वार्थी होकर अपने परिवार को पालने का सिर्फ और सिर्फ खुद पर ध्यान दे रहे हैं, उनको बुरा बताने वाला कोई नहीं है, उनकी कमियां गिनाने वाला कोई नहीं है कि इसने ये काम गलत किया, किसने ये काम गलत किया। हम तो पूर्ण संयोग से मंच पर यदि बाबा साहब और महाकारुणिक बुद्ध की प्रतिमा को बराबर स्थान पर रख दे, कोई एक प्रतिमा छोटी बड़ी हो जाए, तो सामने बैठे हुए लोग हमें कमियां बताने लगते हैं कि आपके कार्यक्रम में मंच पर रखी हुई मूर्तियां ठीक स्थान पर नहीं थी, ठीक स्वरूप में नहीं थी। लेकिन जिसने अपने घर में कोई और ही मूर्तियां लगा रखी है, उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। तो एक चीज तो ये स्पष्ट होती है कि आप जितने ऊंचे उठकर, जितना व्यापक स्तर पर, जितने बड़े पैमाने पर काम करते हैं, आपकी पहचान का दायरा बढ़ता है, आपके प्रशंसक और आलोचक दोनों ही बढ़ने लगते हैं। और भारतीय इतिहास को यदि हम देखें, तो यहाँ एक बहुत ही स्पष्ट सा रुख नजर आता है कि जब जब किसी स्थापित व्यवस्था के खिलाफ एक समानांतर नई व्यवस्था खड़ी करने का प्रयास किया गया, जिस किसी भी महापुरुष ने किया हो, जिस किसी भी व्यवस्था ने किया हो, तो सबसे पहले जो पूर्व में स्थापित व्यवस्था होती है, वो उसे इग्नोर करने का प्रयास करती है। पहला जो सूत्र है विरोध का, तो वो है इग्नोर करना किसी को।
कि ये हमारा क्या बिगाड़ लेगा, ये चार लोग क्या काम कर लेंगे, ये चार लोग क्या व्यवस्था बदल देंगे, ये चार लोग देश में क्या कर देंगे, तो पूरी तरह से इग्नोर करने का प्रयास किया जाता है। और ये महाकारुणिक बुद्ध के समय में भी नजर आता है। शुरुआती दौर में उनके विरोधी कोई नहीं है, सबको लग रहा है कि बहुत सारे लोग जो हैं अपने अपने आश्रम बनाकर बैठे हुए हैं, तो एक नया आश्रम और खुल गया है जिसके मुखिया सम्यक संबुद्ध है, तो लोग नोटिस ही नहीं कर रहे हैं। तो पहला जो स्टेप है, पहला जो सूत्र है विरोधियों का, वो इग्नोर करने का रहता है। इसके बाद में जब लगता है कि कोई व्यक्ति, कोई व्यवस्था पहले से स्थापित व्यवस्था के बराबर में आकर खड़ी हो गई है, अब आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते, वो जितना आप दिखाई दे रहे हैं उतनी ही दूसरी व्यवस्था भी दिखाई दे रही है, तो फिर उसे दबाने का प्रयास किया जाता है, उसे नष्ट करने का प्रयास किया जाता है। और ये महाकारुणिक बुद्ध के समय में भी हम देखते हैं कि उनकी भी हत्या करने के प्रयास कई बार हुए, तो उस व्यवस्था को पूरी तरह से नष्ट करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन जब ये सूत्र भी सफल नहीं हो पाता है, इग्नोर करने के बाद भी, उसे समाप्त करने की तमाम कुत्सित प्रयासों के बाद भी कोई व्यवस्था एग्जिस्ट करती रहे, बल्कि खुद से ऊपर चली जाए, तो फिर एक तीसरा चरण आता है जहां उस व्यवस्था को अपनी बताने का प्रयास किया जाता है कि महाकारणिक बुद्ध विष्णु के अवतार हैं, महाकारणिक बुद्ध हमारे, उन्होंने धम्म में जो बातें कही है वो सारी की सारी वेदों से कही है, उपनिषदों से कही है। तो उस व्यवस्था को जो आपसे सर्वोच्च हो जाती है, आपसे श्रेष्ठ हो जाती है, वो व्यक्तित्व जो आपकी सारी सीमाओं को लांघकर खुद को स्थापित कर लेता है पूरे देश में, पूरी दुनिया में, फिर ये प्रयास किया जाता है कि उसको अपना ही बना लिया जाए, उसे अपना ही बता दिया जाए। इस बात को आप इस उदाहरण से भी समझ सकते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जिस वक्त हिंदू कोड बिल लिख रहे थे, बहुत सारे लोग उनके पुतले जला रहे थे, बहुत सारे लोग उनके कार्टून बनाकर उनकी मजाक उड़ा रहे थे, और वही लोग आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंतियां भी मना रहे हैं। तो आप देखेंगे कि जब विरोध कारगर नहीं हो पाता है, जब किसी को खत्म करने के प्रयास पर्याप्त नहीं हो पाते हैं, तो फिर उस व्यवस्था को, उस स्थापित व्यक्तित्व को अपना बताने के प्रयास शुरू किए जाते हैं, ताकि अपना आकार बड़ा दिखाया जा सके, ताकि अपने आप को ऊंचा दिखाया जा सके, और ये कहा जा सके कि वो जो श्रेष्ठ व्यक्तित्व है, वो जो दूसरी श्रेष्ठ व्यवस्था है, वो हमारी ही व्यवस्था का हिस्सा है, वो हमसे अलग नहीं है। लेकिन जब ये भी संभव नहीं हो पाता, क्योंकि दो व्यवस्थाओं के काम में हमेशा अंतर रहता है, दो अलग अलग उद्देश्यों के साथ काम करने वाले व्यक्तियों के काम में भी अंतर दिखाई देता है, तो जब ये भी संभव नहीं हो पाता, तो आधुनिक भारत में, और हम देखते हैं कि जब से मार्क्सवाद का प्रचलन दुनिया भर में आया और उसने भारत में पांव पसारने शुरू किए, तो एक विचारधारा विशेष के लोगों ने उसे बदनाम करने के लिए एक नई मुहिम स्थापित की, और उस मुहिम में बहुत छोटी छोटी चीजों को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है बदनाम करने के लिए। जब तार्किक और तथ्यात्मक कमियां या आलोचनाएं नहीं मिलती, तो फिर खराब चीजों का सहारा लेकर और उसे बदनाम करने का प्रयास किया जाता है। तो आप किसी भी व्यवस्था, किसी भी व्यक्ति को देखेंगे, किसी भी संगठन को देखेंगे जो किसी दूसरे का विरोध कर रही होती है, वो मूलतः इन चार सूत्रों पर काम कर रही होती है, विशेष रूप से गलत नियत से काम करने वाले लोग, कि पहले इग्नोर किया जाए, फिर खत्म करने के प्रयास किए जाए, फिर खुद में मिला लिया जाए, और ये सब भी नहीं हुआ, तीनों काम नहीं हुए, तो फिर बदनाम किया जाए। तो ठीक इसी तरह की उलझने, ठीक इसी तरह के विरोधाभास महाकारुणिक बुद्ध भी अपने जीवन में सहन करते रहे। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा लिखे गए बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ को पढ़ते हुए एक बड़ा रोचक सा प्रश्न बाबा साहब साझा करते हैं। लिखते हैं कि एक दफा जब महाकारुणिक बुद्ध अपने भिक्षु संघ के साथ वैशाली में आते हैं, तो वहां लिच्छवी वंश का एक बद्दीय नाम का युवक उनके पास आता है और कहता है कि तथागत, कुछ लोग आप पर आरोप लगाते हैं कि आप बड़े जादूगर हैं, मायावी हैं, आप में सम्मोहन की कला है, और आप लोगों को बहला फुसलाकर खुद की बातों से सहमत कर लेते हैं, अपनी तरफ खींच लेते हैं लोगों को, ऐसा आकर्षण आप में है, ऐसी जादुई शक्तियां आप में हैं। तो वो युवक कहता है कि तथागत, मैं जानता हूं ऐसे आरोपों में कोई सत्यता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपका पक्ष जानना चाहता हूं कि इस संबंध में आप क्या कहते हैं, और वर्तमान समय में आप जब भी किसी व्यक्ति विशेष की आलोचना सुने,
किसी संगठन विशेष की आलोचना सुने, किसी व्यवस्था की आलोचना सुने, या फिर उसके बारे में खराब बातें सुने, तो हजारों साल पहले महाकारणिक बुद्ध ने जो सूत्र दिया कि हम किसी व्यक्ति की बात का ठीक ठीक से, ऐसे आरोपों प्रत्यारोपों का ठीक ढंग से पोस्टमार्टम कैसे कर सकते हैं, उनकी सत्यता की जांच कैसे कर सकते हैं, तो महाकारणिक बुद्ध भदीय को चार पांच सूत्र बताते हैं कि जो लोग ये कहते हैं कि महाकारणिक बुद्ध मायावी है, जादूगर है, उनमें सम्मोहन की कला है और वो बहला फुसलाकर लोगों को अपनी तरफ मिला लेते हैं, तो पूछते हैं तथागत कि भदीय, जो लोग ऐसा कहते हैं क्या वे महत्वाकांक्षी नहीं है? तो वो स्वीकार करता है कि हाँ तथागत, वो सारे के सारे लोग महत्वाकांक्षा से भरे हुए हैं। तब तथागत फिर पूछते हैं कि भदीय, जो लोग महत्वाकांक्षी होते हैं क्या वो लोभ के वशीभूत होकर झूठ नहीं बोलते? क्या वो अकुशल कर्म नहीं करते? तो भदीय स्वीकार करते हैं कि हाँ तथागत, जिस व्यक्ति में महत्वाकांक्षा होती है, खुद को ऊंचा दिखाने की भावना जिसमें होती है, उसके मन में लोभ आता है, और जिसके मन में लोभ आता है वो झूठ भी बोलता है, वो अकुशल करने कर्म करने पर भी उतर आता है। तथागत फिर कहते हैं कि जिस व्यक्ति के मन में महत्वाकांक्षा हो, जिस व्यक्ति के मन में लोभ हो, जिस व्यक्ति के मन में द्वेष हो, जिस व्यक्ति के मन में बदले की भावना हो, तो क्या वो उन लोगों का विरोध नहीं करेगा जो उसकी महत्वाकांक्षा प्राप्ति में बाधक बने हुए हैं? तो भदीय कहता है तथागत, निश्चित रूप से महत्वाकांक्षी लोग अपने प्रतिस्पर्धी लोगों का, अपने से आगे जाने वाले लोगों का हमेशा ही विरोध करता है, हमेशा ही उनको बुरा कहता है। तब तथागत कहते हैं कि भदीय, मैं अपने भिक्षुओं को हमेशा ये देशना देता हूं कि भिक्षु, लोभ से भरे हुए विचारों पर नियंत्रण रखो, अपने मन वचन और कर्म से जो भी लोभ उत्पन्न होते हैं उनसे दूर रहो। और जो लोग ये कहते हैं कि तथागत जादूगर है, जो लोग ये कहते हैं कि तथागत जादू टोना जानते हैं, जो लोग ये कहते हैं कि तथागत लोगों को बहला फुसला कर अपने संग में शामिल कर लेते हैं, वे सारे के सारे झूठे हैं, वो सारा के सारे मिथ्या दृष्टि वाले लोग हैं। तो इस तरह से महाकारणिक बुद्ध जब भदीय की शंका का निवारण करते हैं तो वो बहुत ही प्रसन्नचित होकर कहता है कि तथागत, अगर ऐसा है तो मैं चाहता हूं कि आपका ये सम्मोहन न केवल मुझ पे बल्कि मेरे पूरे परिवार पर, मेरे सगे संबंधियों पर भी आपका सम्मोहन चल जाए। किसी भी जाति, किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, हर वर्ग के व्यक्ति पर आपका ये सम्मोहन चल जाए ताकि पूरी मानव जाति का कल्याण हो सके। तो आप देखते हैं कि जिन सूत्रों की बात महाकारणिक बुद्ध ने हजारों साल पहले कही कि कोई व्यक्ति किसी का विरोध क्यों करता है, जब उसके मन में महत्वाकांक्षा की भावना आती है, जब उसके मन में अपने से आगे निकल रहे लोगों के प्रति ईर्ष्या का समावेश होता है, जब वो बदले की भावना से प्रेरित होता है, या फिर झूठ बोलने या कुशल कर्म करने की भावना से प्रेरित होता है, तब किसी अच्छी व्यवस्था का विरोध करने वाले लोग उत्पन्न होने लगते हैं, किसी अच्छी व्यवस्था को बुरा बताने वाले लोग सामने आने लगते हैं। ऐसा एक और उदाहरण बाबा साहब लिखते हैं और कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे थे मगध साम्राज्य में जो कहते थे, तथागत पर ये आरोप लगाते थे कि महाकारणिक बुद्ध जो बहुत ही सुख चैन के साथ बस रहे ग्रस्त लोग हैं, उनके घरों को उजाड़ने का काम कर रहे हैं। तथागत न जाने कितनी माओं को, कितने पिताओं को संतान से विहीन कर चुके हैं, कितनी जीवन संगिनियों को, कितनी पत्नियों को विधवा जैसा जीवन जीने पर मजबूर कर चुके हैं, और कितने ही कुल पुत्रों को उनका घर छुड़वा कर उन्हें भिक्षु बनाने पर मजबूर कर चुके हैं। तो मूल रूप में तथागत जो हैं वो ग्रस्त जीवन को उजाड़ने का काम कर रहे हैं। तो मगध में जब इस तरह की बातें कुछ चिढ़ने वाले लोग कहने लगे, कुछ दूषित मन के लोग जब इस तरह की बातें करने लगे और इस तरह के झूठे आरोप लगाने लगे, तो एक दिन भिक्षुओं ने हिम्मत करके महाकारणिक बुद्ध को कहा कि तथागत, मगध में कुछ लोग हैं जो हमसे ईर्ष्या रखते हैं, हमारे प्रति द्वेष की भावना रखते हैं, और वो दूसरों को भड़काने का काम करते हैं, हमारे बारे में ऐसी अफवाहें फैलाते हैं कि आप लोगों के घर उजाड़ने का काम कर रहे हैं। तब तथागत कहते हैं कि भिक्षुओं, और बड़ी मजेदार बात कहते हैं कि भिक्षुओं, ये शोर शराबा ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है, ये सब कुछ कुछ सप्ताह में शांत हो जाएगा, क्योंकि महाकारणिक बुद्ध मानव स्वभाव के इस मनोवैज्ञानिक पहलू को बहुत बेहतर ढंग से जानते थे।
कि जो लोग खोखली आलोचना करते हैं, आधारहीन झूठे आरोप लगाते हैं, उनकी वैलिडिटी बहुत ज्यादा नहीं होती है। वो कुछ समय बाद स्वतः ही साइलेंट मोड में चले जाते हैं। तो महाकारुणिक बुद्ध भी यही बात कहते हैं कि भिखो, ये शोर शराबा ज्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है, सप्ताह भर में ये सब कुछ शांत हो जाएगा। और जो सम्यक संबुद्ध है, वो हमेशा धम्म से, अच्छे आचरण की बातों से लोगों का मार्गदर्शन करते हैं, जन कल्याण का काम करते हैं, जनहित का काम करते हैं। उनका कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं होता है। और सद्धम के मार्ग पर चलने वाले या सद्धम का मार्ग बताने वाला कोई व्यक्ति, प्रज्ञावान व्यक्ति, भला उसके बारे में क्या शिकायत की जा सकती है? और धम्म में किसी भी प्रकार की जबरदस्ती नहीं है। जो मनुष्य गृहस्थ रहना चाहता है, वो गृहस्थ रहने के लिए स्वतंत्र है। जो व्यक्ति भिक्खु बनना चाहता है, परिव्राजक बनना चाहता है, वो ये करने के लिए भी स्वतंत्र है। तो गृह त्याग करना है या फिर गृहस्थ रहकर जीवन यापन करना है, ये हर मनुष्य अपने विवेक से खुद तय करता है। किसी ने तय किया कि मैं भिक्खु या भिक्खुनी बनना चाहता हूँ, बनने चाहती हूँ, और किसी ने तय किया कि मैं उपासक या उपासिका बनकर अपने घर में रहते हुए पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए धम्म का अभ्यास करूंगा, धम्म के अनुसार आचरण करूंगा। तो दोनों की अपनी अपनी इच्छाएं हैं, दोनों के अपने अपने निर्णय हैं। इसमें भला तथागत कैसे दोषी हो सकते हैं? सारे के सारे भिक्खु सहमत होते हैं। और इस बात को जब वहां मगध में रहने वाले लोगों को बताते हैं जाकर, कि कुछ लोग जो आरोप लगाते हैं, महाकारुणिक बुद्ध ने उनकी बातों का ये जवाब दिया है, तो सारे के सारे लोग संतुष्ट होते हैं। और सारे के सारे लोग प्रशंसा करते हैं कि तथागत जो कार्य कर रहे हैं, वो मानव जाति के कल्याण के लिए श्रेष्ठ कार्य है, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। तो यहाँ इन दोनों ही प्रसंगों से ये बात बेहतर ढंग से समझ में आती है कि कुछ लोग अपनी क्षुद्र मानसिकता से प्रेरित होकर, अपनी महत्वाकांक्षाओं से प्रेरित होकर और अपने लोभ के वशीभूत होकर इस तरह की बातें अक्सर करते हैं, इस तरह के भ्रम लोगों के बीच फैलाते हैं, इस तरह की आधारहीन आलोचनाएं करते हैं, ताकि जो लोग उस व्यवस्था का अनुसरण करने की सोच रहे होते हैं, किसी महान व्यक्तित्व का अनुसरण करने की सोच रहे होते हैं, वो कहीं ना कहीं उसमें रोड़ा अटकाते हुए लोगों को भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। और बहुत बार जब सामाजिक या धार्मिक क्षेत्र में काम करने वाले साथियों से चर्चा होती है, मैं एक अंतिम उदाहरण देकर अपनी बात खत्म करूं, तो बहुत बार जब ये सवाल आता है कि फला व्यक्ति इस संगठन को क्यों छोड़ गया, फला व्यक्ति इस आंदोलन का हिस्सा क्यों नहीं है, तो मेरे मन में एक बहुत ही छोटा सा सूत्र आता है और हम सहजता से जांच सकते हैं कि आरोप लगाने वाला व्यक्ति सही है या फिर वो व्यवस्था सही है। और ख्याल ये आता है दिमाग में कि जो व्यक्ति जिस किसी भी व्यक्ति की आलोचना कर रहा है, अगर उसका खुद का काम उस व्यक्ति से शानदार है, उससे अच्छा कर रहा है, जैसे उदाहरण के लिए हम बात करें, दो टीचर्स है जो स्कूल में पढ़ाते हैं। एक व्यक्ति है जो कहता है जी फलां टीचर बहुत अच्छा नहीं है, वो बहुत खराब व्यवहार करता है। हो सकता है वो खराब व्यवहार करता हो, लेकिन ये जो कह रहा है कि वो टीचर खराब है, क्या ये खुद एक बहुत अच्छा शिक्षक है और उससे अच्छा शिक्षक है? इसका खुद का व्यवहार बहुत अच्छा है, इसका खुद का आचरण, इसका खुद का काम, इसका काम करने का तरीका, क्या वो उससे भी श्रेष्ठ है? अगर ऐसा है, तब तो ये स्वीकार किया जा सकता है कि ये आदमी भी ज्यादा समर्पित है, इसने भी ज्यादा त्याग किया है, इसमें भी ज्यादा धैर्य है, इसके काम करने का क्षेत्र भी बहुत व्यापक है, और ये उस व्यक्ति की तुलना में दुगुने समर्पण के साथ काम करने में लगा हुआ है। लेकिन कोई व्यक्ति घर बैठे किसी की आलोचना कर रहा हो, कोई व्यक्ति अपने गांव में बैठा हुआ और संयुक्त राष्ट्र संघ की आलोचना कर रहा हो, तो ये आप कल्पना कर सकते हैं कि विश्व में शांति स्थापना के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या योगदान है, और किसी गांव में बैठे हुए एक अनपढ़ आदमी का, थोड़े बहुत पढ़े हुए आदमी का क्या योगदान है। तो ये तुलना, ये आलोचना कुछ कुछ वैसी ही हो जाती है, उसी स्तर की हो जाती है। तो जो लोग उस दौर में भी जो महाकारुणिक बुद्ध की आलोचना कर रहे थे, उनकी कमियां निकाल रहे थे, उनपे आधारहीन आरोप लगा रहे थे, और आज भी अलग अलग समय में अलग अलग व्यवस्थाओं के लोग आते रहते हैं, ये संवाद
विवाद निरंतर चलते रहते हैं। तो बस इस सूत्र के सहारे जो महाकारुणिक बुद्ध ने हजारों साल पहले बताया कि क्या निंदा करने वाला, विरोध करने वाला व्यक्ति खुद महत्वाकांक्षी तो नहीं है, खुद लोभ का शिकार तो नहीं है, खुद अपने मन में द्वेष की भावना तो नहीं रखता है, और फिर ये कि वो खुद किस स्तर पर काम कर रहा है, उसके खुद का काम का दायरा क्या है, उसका समाज के प्रति समर्पण कैसा है, उसका धर्म के प्रति समर्पण कैसा है, धर्म को स्थापित करने में, धर्म के प्रचार प्रसार में, महाकारुणिक बुद्ध की शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाने में, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बोध में भारत की परिसंकल्पना को साकार करने में, उस व्यक्ति का, उस संगठन का क्या योगदान है। अगर उसका योगदान, उसका अवदान निश्चित रूप से बड़ा नजर आता है, उसका त्याग, समर्पण, सामर्थ्य सब कुछ बड़ा नजर आता है, तो हम उसकी बात को स्वीकार कर सकते हैं, और नहीं तो बहुत ही सहज भाव के साथ मुस्कुराते हुए इग्नोर करके आगे बढ़ जाएं, तो हम बहुत प्रशंसित होकर जिस काम को कर रहे हैं उसे और बेहतर ढंग से कर पाएंगे। तो आज के विषय पर मैं अपनी बात को यहीं विराम दे रहा हूँ। किसी साथी कोई जिज्ञासा होगी, कोई शंका होगी तो हम चर्चा कर लेंगे। आप सभी ने बड़े ध्यान पूर्वक सुना, सभी को बहुत बहुत साधुवाद, नमो बुद्धाय।